नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। और हम दोनों स्वागत करते हैं, अक्षी और मैं, हेलो, हम दोनों स्वागत करते हैं आपके इस व्लॉग में। और सुबह के 10:30 बजे और हम दोनों निकले हुए हैं अपनी मर्सिडीज ई क्लास में, और हमारे नीरज भैया हैं हमारे साथ, आज गाड़ी चला रहे हैं। हम दोनों जा रहे हैं दिल्ली रोहिणी एक होम मीटिंग में, जहाँ पे काफ़ी सारे न्यू ज्वाइनिंग्स भी होंगे, डेमो प्लान होगा और पुराने लोग भी होंगे। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे होम मीटिंग कैसे होती है दोस्तों, और उसके बाद हम दोनों निकलेंगे। उसके बाद हम कहाँ निकलेंगे, अक्षी बताओगे एक बार? दोस्तों, जो आज का हमारा शेड्यूल है वो ये है कि अभी हम रोहिणी जा रहे हैं और रोहिणी से हम निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि कल हमारा लाडवा में एक सेमिनार है। उसके बाद हम चंडीगढ़ जाएंगे और उसके बाद हमारी कालका में, जो पहाड़ पे कह सकते हैं आप, पंचकूला के पास जो पहाड़ पड़ते हैं कालका, वहाँ पर हमारी शिमला से पहले पड़ता है। और दोस्तों, हमारे साथ में हमारा ये छोटा सा प्यारा सा लीडर भी जा रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर होम मीटिंग में, थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारे नीरज भैया है। नीरज भैया एक बार हाय कर दो सबको। हाय। और ये अपनी मर्सिडीज ई क्लास बढ़िया सी शानदार सी। तो अभी जा रहे हैं रोहिणी, और अक्षी ने खाना चालू कर दिया। ये देखिए दोस्तों, हम हमेशा अपने साथ गाड़ी में खाने पीने के लिए रखते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सी मीटिंग्स में हम लेट हो जाते हैं, कभी हमें खाने पीने का समय नहीं निकल पाता है। तो हम हमेशा अपने साथ में पूरा लंच अपना पैक करके चलते हैं, जिसमें हम फ्रूट्स भी रखते हैं और चीजें भी। तो आप सबको भी यही कहूंगी कि जब भी होम मीटिंग्स के लिए घर से बाहर निकले, अपने साथ में कुछ ना कुछ खाने पीने का, पानी की बॉटल जरूर जरूर रखें, क्योंकि जब ये चीजें होंगी तभी हमें एनर्जी आएगी, और जब एनर्जी आएगी तभी हम मीटिंग करेंगे। अगर हम बिना खाए पिए सिर्फ मीटिंग में लगे रहेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, मैं ग्रेप्स खा रही हूँ और इसको देखो एक बार, अब इसकी नजर ग्रेप्स पे है। तेरे को भी ग्रेप्स खाना है? लो बेटा, लो बेटा, हवाबाजी हो रही है, लो बेटा है ब्लॉग में, हवाबाजी चल रही है। हाँ बेटा, ले भी रहे हैं। वो बेटे ने डाल भी लिया मुंह में। आपके साथ भी तो ऐसा ही होता होगा? नहीं, नहीं होता, हंस रहे हो, भगा रहे थे ना? Yes. मुझे भी
अच्छी है, तुझे समझ नहीं है, ये सब बेकार की चीजें होती है, तू इस चक्कर में मत पड़, तू ना जॉब कर ले, तेरी ना अच्छे घर में शादी हो जाएगी, तू ना ये कर ले, तू वो कर ले, इतने जितने मुंह उतनी बातें थी। मेरे घर वाले जो सगे रिश्तेदार थे उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरा जो सगा, मेरा जो बड़ा भाई है, उसने मुझे क्या बोला, थप्पड़ मारा के जाके कि हमारे घर की लड़कियां ये घर घर जाके साबुन तेल नहीं बेचती। और आज मेरा वही भाई अपनी जॉब को छोड़ के घर घर जाके साबुन तेल बेच रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहती थी मरते दम तक उनकी जब जिंदगी
भर वो मरते दम तक अपना सिर्फ ऐसे ही स्ट्रगल करते करते अपनी जिंदगी खत्म कर दे। मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी वो राजा वाली जिंदगी दिए, और आज मैंने अपनी मम्मी को अपने पापा को राजा वाली जिंदगी दे रखी है। चार कमरे हैं, चारों में एसी है, चारों में लाख लाख रुपए की टीवी लगा रखी है, बड़ा सा फ्रिज लेकर दे रखा है, सब कुछ मोदी केयर की तरफ से। हम आज मोदी केयर से अचीव कर चुके हैं दोस्तों, इससे अच्छी लाइफ आप क्या कर सकते हैं। एक टाइम था जब मम्मी के पास गोल्ड की भी चीजें ना के बराबर हो गई थी, क्योंकि जब घर में परेशानियां रहती है तो गोल्ड गोल्ड बचता नहीं है। आज मैंने अपनी माँ को हीरे से लाद दिया है। हम अपनी फैमिली के लिए तो करते हैं। तो मैंने भी आज अपने घर में, मतलब हर बंदा एकदम खुश है, मस्त बढ़िया है। तो दोस्तों मोदी केयर से आज सारे के सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, और यहाँ से 9 विदेश यात्राएं, जैसे अमित भैया ने बताया, बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर कंट्रीज घूम के आई हूँ 9 बार। पासपोर्ट खत्म, मतलब खाली, जैसे बच्चों की किताब भर जाती है ना मैथ्स की पढ़ाई कर करके, ऐसे हमारा पासपोर्ट पूरा खाली, उस पर इतनी स्टैंप लग गई कि वो खत्म हो गया। अब दूसरा मोटा वाला बनवाया, क्यों? क्योंकि अब आप लोगों के साथ भी फॉरन जाएंगे बहुत सी बार, और 24 अप्रैल को मोदी केयर से दोबारा से हम घूमने जाने फ्री में, अपनी टीम में से बहुत सारे लोगों को लेकर। लेकिन मेरे घर से, हमारे घर से कौन जा रहा है? मैं, दिग्विजय जी, हमारा छोटा सा 1 साल के बच्चे का भी पासपोर्ट बन गया, वो भी विदेश जा रहा है। कितने साल की उम्र में? 1 साल की उम्र में दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों मैं अपने मम्मी को भी थाईलैंड का ट्रिप, मम्मी भी जा रही है, मेरे पापा भी जा रहे हैं, मेरा भाई भी जा रहा है, मतलब पूरी फैमिली हम सब जा रहे हैं थाईलैंड ट्रिप पे मोदी केयर से। अच्छा बिजनेस क्या होगा? बस मैंने क्या किया, 10 साल तक ऐसे बिल्कुल यहाँ पर ना इधर देखा ना इधर, सिर्फ सामने देखा, मोदी केयर की तरफ देखा, और यहीं पे आगे बढ़ती रही, एक्शन लेती रही, मीटिंग करती रही, जिसके नतीजा आज ये है कि मुझे आज यहाँ से सब कुछ, मतलब सब कुछ यहाँ से मिल चुका है। रोए घर में साबुन मोदी केयर का आता है, पेस्ट मोदी केयर का आता है, चाय की पत्ती मोदी केयर की आती है, मेरे तो पति भी मोदी केयर से आए। तो दोस्तों अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम बुलाएंगे ग्रेट लीडर दिग्विजय जी। अच्छा लगा अक्षी को सुन के, बहुत अच्छा लगा, नए लोगों से पूछ रहा हूँ, अच्छा लगा, तालियों से। अपने बारे में बताऊँ तो नाम दिग्विजय सिंह है, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मुझे लगभग 5 साल हो चुके हैं बिजनेस को करते हुए। पता है बड़े लोग, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम यार छोटा काम करेंगे, साबुन पाउडर तेल पेस्ट का काम करेंगे, और हम लोग भी हिचकिचाते हैं बड़े लोगों के पास जाने में कि क्या ये BMW चलाने वाला, क्या ये मर्सिडीज चलाने वाला ये काम करेगा साबुन पाउडर तेल पेस्ट का। तो दोस्तों मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे एक बच्चा 100-100 करोड़ का मालिक है। आज से 5 साल पहले मैं एक गाड़ी चलाया करता था, वो थी 36 लाख रुपए की फॉर्चुनर गाड़ी। उसके बावजूद भी मैं साबुन पाउडर तेल पेस्ट के बिजनेस में आया। क्यों आया था? क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख गया था कि यहाँ से बहुत कुछ पा सकते हैं हम लोग, खोने के लिए कुछ नहीं है, सपने जितने मेरे हैं सारे पूरे कर सकता है इस बिजनेस के द्वारा। अक्षी मेरे पास आई थी इस बिजनेस को लेके 2018 में, मैंने उसको साफ मना कर दिया कि ये बेकार के काम है, मेरी बहन ने सारी कंपनी करके छोड़ चुकी है, सामान ले लेके आती थी, बेड का जो ड्रॉर होती है ना उसमें भरती रहती थी, पैसे बर्बाद किए उसने। तो अक्षी को जब मैंने मना कर दिया, उसने हार नहीं मानी, उसने दोबारा फोन किया, फिर उसने तीसरी बार फोन किया, उसने चौथी बारी फोन किया। अब चौथी बारी कहती है कि गाड़ी लेने जा रही हूँ जिसकी रकम है 50 लाख रुपए, गाड़ी का नाम है जैगुआर। अब सुना है कभी 25 साल की लड़की 50 लाख की गाड़ी ले रही है अपने बलबूते, वो भी इस काम से? तो मेरे को लगा है झूठ बोल के इस बिजनेस में लाना चाह रही, क्योंकि वैसे तो मैं आ नहीं रहा, तो ये 50 लाख रुपए की गाड़ी दिखाएगी तो शायद आ जाऊं, तो मेरे को लगा है झूठ बोले। लेकिन जिस तारीख को गाड़ी बताई थी 31 अगस्त 2018, उस दिन गाड़ी आई, वहां कम से कम 200-250 आदमी शोरूम में मौजूद था। मोहन एस्टेट AMP मोटर्स, आज भी आप लोग जाकर पता करोगे ना तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ आज तक ऐसी कोई गाड़ी हमारी शोरूम में किसी गाड़ी की डिलीवरी नहीं हुई जैसी अक्षी दत्ता की हुई थी।
वहाँ पे कंपनी के मालिक समीर मोदी जी, जो 66,000 करोड़ के मालिक है, वो खुद चाबी देने आए थे। वहां मेरे को समझ में आ गया कि इस बिजनेस की ताकत क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बिजनेस में नहीं आया। दोस्तों सपने बहुत बड़े थे, करना चाहता था कुछ अपने बलबूते। मैं चाहता था कि जो 36 लाख रुपए की फॉर्चुनर पापा ने दे रखी है ना, उससे महंगी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी अपने बलबूते खरीद के घर के बाहर खड़ी करनी है। तो मैंने नौकरी से शुरुआत करी थी, 4 साल नौकरी करी। हमारे बीच में कोई है जो नौकरी जाता हूँ, नौकरी करता हूँ तो नौकरी में क्या होता है, सुबह जाओ रात को वापस आओ, पूरी जिंदगी ऐसी निकल जाती है। तनख्वाह कितनी आती है, मुट्ठी भर तनख्वाह आती है, जो कि पूरे महीने में ऐसे रेत की तरह निकलती चली जाती है। और आखिरी में हम ढूंढते कि कहां से खर्चा उठाए, कहां से क्या करें, कहां से क्या करें। हम लोग फिर जुगाड़बाजी में लगे रहते हैं नौकरी में। तो ये 4 साल मैंने नौकरी में देखा कि यार यहां गालियां सुनने को मिलती है, बॉसेस सुनने को मिलती है, काम करना पड़ता है, पैसा कुछ नहीं आता, खर्चे निकालने के लिए बहुत इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ते हैं। अक्षी ने मेरे को बोला कि एक तेरे से लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक इवेंट में चल रहे जो कि है जयपुर में, 4,000 लोग बैठे हुए थे। मैं आया नहीं था इस बिजनेस में क्योंकि मैं था थोड़ा सा वो कि भाई बड़े परिवार का लड़का हूँ, ये बेकार के काम करूंगा, थोड़ी सी दिमाग में थी ये चीज, तो मैं आया नहीं था। जब अक्षी ने रिक्वेस्ट करी लास्ट बार बोल रही हूँ, तो मैंने कहा चल ठीक है एक बार उस प्रोग्राम में जाके देख लेता। जब उस प्रोग्राम में पहुंचता तो मैं क्या देखता हूँ कि वहां पे राजस्थान में क्या लेडीज ने इतना तरह घूंघट रखी है। अब वहां पे क्या देखता हूँ, लेडीज धीरे धीरे स्टेज पे आना चालू हुई। अभी आप लोगों ने हमसे पहले सुना होगा कुछ लोगों को, जैसे अभी मैडम आई थी और भी वो मैडम आई थी, इन्होंने बताया जिम कॉर्बेट के बारे में। ऐसे स्टेज पे धीरे धीरे उन लोगों को बुलाया जा रहा था जो पैसे कमा रहे, जो गाड़ियां ले चुके, जो घर ले चुके। तो वहां पे मैंने देखा कि इतनी सारी घूंघट वाली लेडी जो इतना घूंघट रखती है और घूंघट उठा के बता रही कि मैं 2 लाख कमा रही हूँ, मैं 2.5 लाख कमा रही हूँ, मैं 5 लाख का, घूंघट नीचे कर लेती हूँ बता। अब मैंने कहा यार इतने सारे लोग घूंघट वाली लेडीज कर रही है, 21 साल का लड़का वहां पे, एक लड़का स्टेज पे बता रहा था 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। मेरे को 4 साल हो गए नौकरी करते हुए, 50,000 की तनख्वाह पे अटका। मेरे को समझ में आ गया कि भाई तेरे जो सारे सपने हैं ना, अगर तेरे को इस पापा की दी गाड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदनी है तो ये मोदी के पूरा करके दे सकता है। मेरे सामने एक एग्जांपल था अक्षय दत्ता जिसने जैगुआर ले ली थी, और मेरे सामने इतने सारे लोग एग्जांपल थे जो स्टेज पे आके बता रहे थे। तो मेरे को समझ में आ गया कि नौकरी में पड़ती है गाली और इस बिजनेस में पड़ती है ताली। सारे सपने पूरे कर सकता हूं, जो गाड़ी जो घर जितना पैसा चाहिए सब कमा सकता हूं, और खोने के लिए कुछ नहीं, घर का सामान खरीदना। आते ही अगले दिन मैं काम पे लगता, सबसे पहले अपना हथियार तैयार किया। हथियार क्या, डेमो किट। बहुत सारे नए लोग हैं, डेमो किट होती है हमारी जिसमें डेमो देखे थे आप लोगों ने, उसमें ये डेमो का सामान रखते हैं और लोगों को डेमो दिखाते हैं, बिना डेमो के हम लोग बात नहीं करते। अब शुरुआत में ना अक्षी ने मेरे को बोला कि तेरे को ABCD नहीं मालूम इस बिजनेस की, मैं तेरे साथ हर मीटिंग में चलूंगी, मैं डेमो दिखाऊंगी, मैं फायदे बताऊंगी लोगों को। मैंने कहा ठीक है। पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग हुई, चौथी मीटिंग हुई, मैंने अक्षी को देखा। अब पांचवी मीटिंग में फोन करके बोलता हूँ आज ना लेडीज की मीटिंग फिक्स करी है मैंने ग्रेटर नोएडा में, वहां पे 10-12 लेडीज इकट्ठी हुई है और 8 बजे की वो मीटिंग फिक्स हुई है, तेरे को आना। कहती मैं चंडीगढ़ हूं। मैंने कहा मीटिंग तो फिक्स हो गई, वहां पे लेडीज आ जाएंगी सारी। तो कहती एक काम कर, तूने मेरे को 4 मीटिंग में डेमो दिखाते हुए देखा है ना, फायदे तेरे को पता है, अपनी डेमो किट उठा और पहुंच वहां पे और कर। मेरा काम था तेरे को रास्ता दिखाना, मैंने रास्ता देख लिया था दोस्तों। सपने मेरे थे, अक्षी के नहीं थे सपने, सपने मेरे थे। तो निकल पड़ा डेमो उठा के, और पहली बार मैं अकेला ऐसी मीटिंग में गया जहां पे 10-12 लेडीज मेरे को घेर के खड़ी थी जैसे आज घेर रखा है। और मेरे हाथ ऐसे ऐसे काम रहे, मेरे को डेमो दिखाने नहीं आते। अभी स्टेरिक्लीन का डेमो दिखाया था स्टेरिक्लीन का डेमो, उसमें देखा था आपने, एक ग्लास सफेद हुआ था, दूसरा नहीं हुआ था, है ना। मैंने क्या किया, एक गिलास सफेद कर दिया, अब वही चम्मच उठा के दूसरे में घुमा दी, वो भी सफेद। फिर जी मैंने पेस्ट का डेमो करा, पेस्ट के डेमो में ना ऐसे ऐसे मिटाना पड़ता है कागज पे, वो जो बाहर का मार्केट का पेस्ट है वो उसमें ब्लीच मिली होती है ना, तो वो प्रिंट उड़ा देता है, रंग उड़ा देता है, और मोदी गेयर का रंग नहीं उड़ाता, फ्रेश मूवमेंट जो हमारा। तो मैंने इतनी तेज रगड़ा वो पेज फट गया। अब लेकिन मेरे को कुछ चीजें पता थी जो अक्षी को मैंने सुना था 4 मीटर में, जैसे उसने बताया था एक TTO लाता हमारा मोदी गियर का, जो कि उस टाइम पे 280 के आसपास आया करता था,
तो मैंने सुना था अक्षी को बोलते हुए कि ये टी ट्री ऑयल है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं इसे, जिनके बालों में रूसी होती है, पिंपल फुंसी फोड़े हर जगह काम आता है ये, और अगर रात में लेट नाइट ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कान के पीछे लगाओगे थोड़ा सा तो नींद गायब हो जाएगी, सर में दर्द है जिस हिस्से में दर्द है वहां लगाओ तो सर दर्द गायब हो जाएगा। मैंने ये चीजें बताई, वहां पे एक लेडी बैठी थी जिनके बालों में बहुत ज्यादा रूसी थी, उन्होंने वो तेल मेरे से खरीद ली। अब मैं बाइक में वापसी आ रहा हूँ, वो बाइक मेरे खुद के पैसों पे खरीदी थी, बाइक पे वापसी आ रहा हूँ और मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि दिग्विजय सिंह अगर तू गलत डेमो दिखा के 280 रुपए का ऑर्डर लेके आ सकता है ना, जिस दिन तू सही दिखाएगा तो तू बहुत बड़ा करने वाला। जो करूंगा ना अकेले करूंगा, एक बार गलत कर लूंगा, दो बार गलत कर लूंगा, तीन बार गलत कर लूंगा, लेकिन पांचवी छठी बारी एकदम सही करूंगा। अब मेरे को रोटी बनानी नहीं आती, पहली बारी बनाऊंगा इंडिया का मैप बन जाए, दूसरी बार बनाऊं शायद जल जाए, लेकिन तीसरी बार बनेगी थोड़ी सी गोल बनेगी, चौथी बारी एकदम गोल बन जाएगी। यही चीज इस काम में, शुरू में डर लगता था, आज हजारों लोगों के सामने बोलते हैं, बताया ना मैंने पहले मेरे हाथ कांप रहे थे, डेमो भी गलत दिखाया, आज हजारों लोगों के सामने बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि मैंने फील्ड में काम किया, लोगों से जाके बात करी। अब लोगों से जो बात करी, नौकरी में छोड़ चुका था क्योंकि मेरे को पता था कि मैं नौकरी से 50,000 रुपए महीने कमा रहा हूं, लेकिन एक समय आएगा मोदी गेट से एक दिन का 50,000 रुपए कमाऊंगा, और आज वो समय है अक्षी और मैं मिलके एक दिन का 55,000 रुपए कमाऊंगा। हम दोनों इस उम्र में नौकरी से 55,000 रुपए एक दिन का कमा पाते? कोई धंधा पानी खोलते उसके लिए करोड़ों रुपए लगाना पड़ता, तब भी पता नहीं हो धंधा चले ना चले, कोई गारंटी नहीं है। और उसमें भी मेरे को एक दिन का 55,000 रुपए आने में कितने बरस निकल जाते, लेकिन ये मेरे को दिख रहा था ये अकेला बिजनेस है। नौकरी छोड़ और दिग्विजय सिंह लग जाए इस बिजनेस में। नौकरी छोड़ते मैं पूरा दिन इस बिजनेस में काम में करता था, लोगों से बात करता था डेली, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ आठ नौ नौ लोगों को डेमो दिखाता था, प्लान दिखाता था। उसका नतीजा ये हुआ कि 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, उसमें लिखा आता है, मैसेज आता है, जब पैसे ट्रांसफर होते हैं ना, तनख्वाह भी आती है, कुछ भी पैसे ट्रांसफर होते हैं आपके बैंक से मैसेज आएगा, तो मेरे पास मैसेज आता है कि 35,000 रुपए मोदी गेट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर। भगवान ने मेरे को क्या आशीर्वाद बोल दे के भेजा या कोई शक्तियां देके भेजी, जा दिग्विजय सिंह जा, तेरे को शक्तियां देता हूँ और तू ही 6 महीने में जाके 50,000 रुपए कर लेगा, कोई नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसा है मेरे पास? अगर ऐसा होता तो आज नीचे गाड़ी में नहीं, ऐसे बजरंग बली की तरह उड़ के आ रहा हूं, है ना? जो काम मैंने किया, अगर वो काम आप लोग भी करोगे तो दोस्तों आप लोग भी इस लेवल तक पहुंच सकते हो। मेरे में, अक्षी में, आप में कोई फर्क नहीं है। अक्षी देख रहे हो, अक्षी छोटे बच्चे को लेकर आई, आप सबके भी छोटे बच्चे होंगे। जो वो काम कर रही, क्या आप लोग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। एक बात बताओ, हस्बैंड के बर्थडे आया है या एनिवर्सरी आई है, हम लोग क्या करते हैं? लेडीज क्या करती हैं? हस्बैंड की जेब से पैसे निकाल के उसी को गिफ्ट कर देती है, मैक्सिमम ये होता है। अब सोचो उनका जन्मदिन आया, आप उन्हें 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की घड़ी गिफ्ट कर रहे हो, उनको बाइक गिफ्ट कर रहे हो, तो वो कितने खुश होंगे? फिर वो ऐसे चलेंगे, भाई ये मेरी बीवी है, ऐसे चलेंगे। ये बिजनेस आपको एक पहचान देगा दोस्तों, पहचान देगा। लेडीज शादी से पहले पिता के नाम से जानी जाती है, शादी के बाद पति के नाम से जानी जाती है, बच्चे हो जाते हैं फिर बच्चों के काम से जानी जाती है, पीछे उनको कोई नहीं देखता, लेकिन असली पिलर होती है लेडीज घर की, जो घर को बनाती है, पर उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। ये मोदी के ऐसा जो आप लोगों को पहचान देगा। आज तक जिंदगी भर रोटियां बनाई किसी ने? आज तक दो तालियां बजाई या माला पहनाई? भाई रोटी बहुत अच्छी बनाती है माला पहनती, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि
कि आपको कहाँ कहाँ कितना प्यार मिलेगा, कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, कितनी मालाएं पहनाई जाएगी, कितनी तालियां मिलेंगी। हमें तो यहाँ पे, मैं तो कहूँ, पैसा, घर, गाड़ी सब साइड में करते हैं। सबसे बड़ी चीज है अमित भैया, ये मेरे को भाई मिल गए बिजनेस से, मैं इनको जानता नहीं था। परसों हम लोग एक मीटिंग में गए थे तो वहां पे एक लेडी ने ना बड़ी अच्छी बात बोली, हम मोदी केयर में सारे अनजान हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे की जान है। अमित भैया मिले, उमा जैसी भाभी मिली और इतनी सारी दीदियां मिली, ये कहां से मिली? इतनी सारी आंटियां मिली, इतने सारे रिश्ते नाते मिल जाएंगे। और बाकी जो असली रिश्तेदार है उनको तो मैं कहता हूँ रिश्तों में दरार, वो लोग कुछ नहीं करते, वो बस बोलेंगे कहां फंस गई तू, तू भी फंस गई इन कामों में। अरे हमने तो करके छोड़ दिए काम, मना करेंगे सब रिश्तेदार, हो सकता है घर वाले भी खड़े हो जाए। मेरे पापा ने 2.5 महीने मेरे से बात नहीं करी थी। हमारा घर ऐसा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हमारे घर पे नेता माथा टेकते हैं वोट के लिए। मेरे पापा ने बोला कि तू घर का नाम खराब कर रहा है, पेटियां ले लेके जाता है। 2.5 महीना बात नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जिद पे अड़ा रहा। मैंने सोच लिया था कि कुछ करके दिखाऊंगा पापा को इस बिजनेस से। जब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद चेक लेके पहुंचा, तब पापा को समझ में आ गया कि अब इसके पैसे बढ़ने चालू, अब ये कुछ कर जाएगा। तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत अच्छा है, लगाने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए पूरा आसमान पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें आपकी हो सकती है, जो सपने आप लोगों ने आज देखते हो या आज से कई सालों पहले या शादी से पहले सोचे थे, वो सब पूरा करके देगा। कौन देगा? मोदी केयर। ये अकेला ऐसा पेस्ट है, मार्केट का कोई पेस्ट नहीं मिलेगा आपको। मोदी केयर अकेला ऐसा पेस्ट है जो आपकी दांतों की सफाई के साथ दांतों पे स्माइल भी लेके आ सकता है। हमारे दांतों पे तो स्माइल आ चुकी है क्योंकि हम घूमते 85 लाख रुपए की गाड़ी में, हम कमाते हैं 14 लाख रुपए महीना। किसने दी? सिर्फ ये पेस्ट ने। हमारे पास ऐसा टॉयलेट क्लीनर है जो टॉयलेट साफ नहीं करता, आपकी परेशानियों को साफ करता। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है हमारे पास। साबुन में जब नहाते तो क्या निकलता है? झाग। हमारे यहाँ झाग के साथ गाड़ी भी निकल जाती है। बहुत शानदार बिजनेस है। मैं सबसे यही कहूंगा कि बिजनेस करिए, शुरुआत करिए, एक डिसीजन बनाइए और धीरे धीरे लग जाइए। लोग बहुत सारे बहुत कुछ बोलेंगे, मना भी करेंगे आपको, लेकिन किसी की सुनना मत। वो लोग ना आपके घर में आपके सपने पूरे करके नहीं देंगे, आपके बच्चों की जिंदगी वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे। वो डिसाइड कौन करेगा? आप लोग करोगे अपने बच्चों की जिंदगी। कि उन्हें बच्चों को कैसी जिंदगी देनी है, अच्छी एक शानदार जिंदगी देनी है कि हमारे बच्चे भी आने वाले समय में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, हम भी घूमे, ये आप लोग डिसाइड करोगे, वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे। तो इसलिए किसी की मत सुनना दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज की होम मीटिंग देखकर? कमेंट करके जरूर बताया करो। हमारा जैसा भी, हम लोग अगर हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं तो हम चेंज करेंगे उस चीज को। हमें भी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। तो दोस्तों कमेंट जरूर करके बताओ कि कैसे लगी हमारी होम मीटिंग्स और हमारा व्लॉग कैसा लगा। और अक्षी जी कुछ कहना चाहोगे? आज बहुत ही मजा आया, बहुत ही शानदार रही हमारी मीटिंग। और साथ ही साथ अब हम जा रहे हैं, हम निकल चुके हैं दिल्ली से और हम जा रहे हैं नारायणगढ़ की तरफ, जो मेरी नानी का घर है। हम आज वहाँ रुकेंगे रात को, क्योंकि कल सुबह सुबह फिर हमें लाडवा में एक बहुत बड़ा हम सेमिनार कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। हम देखो घूमते घूमते बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इंजॉय भी कर रहे हैं और साथ में नानी के घर भी जाते हैं। नानी के घर भी जाते हैं देखो। और ये देखो छोटा सा हमारा बच्चा सो रहा है और बच्चे के कपड़े चेंज हो चुके हैं। देखो सारे कपड़े इसने पानी फैला लिया था, गीले कर लिए थे और अब उसके कपड़े चेंज हो चुके हैं। अंगूठा मुंह में डाल के सो रहा है, मस्त सो रहा है। अब मस्त हम दोनों भी सोने वाले हैं। सुबह के निकले हुए, सुबह के उठे हुए, जिम करने गए थे, वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद अब उसके बाद रोहिणी आ गए दिल्ली, अब चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं, नारायणगढ़ के लिए जा रहे हैं, नानी के घर के लिए जा रहे हैं। तो मस्त सोते हुए जाएंगे। अब ऐसी लाइफ हो तो मजा ही कुछ और है, है ना? बिल्कुल। इतनी कंफर्टेबल है ये कार कि जैसे मैं पहले जो हमारे पास नॉर्मल और भी
कार थी उसके अंदर जब हम लेटते थे थोड़ी देर को तो ऐसे हो जाते थे ऐसे, और ना जब उठते थे तो क्या होता था गर्दन में ऐसे करते थे और दर्द हो रहा है। लेकिन ये कार इतनी कंफर्टेबल है, मैं आपको क्या बताऊं, मान लेते हैं बहुत बेस्ट कार है क्योंकि हमें तो ट्रैवल करना होता है और ट्रैवलिंग के लिए जब ऐसी कार मिल जाए फिर तो बात ही कुछ और है। लेकिन दोस्तों इतनी आसानी से नहीं आती। हाँ, इसके पीछे हमारी 10 सालों की मेहनत छुपी हुई है, लेकिन दोस्तों 10 साल तो हम और भी कामों में देते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई प्रोफेशनल होता है, लेकिन ऐसी लाइफ और ऐसी कार ना हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाती। तो दोस्तों आप सबको कहेंगे मोदी केयर को जरूर कीजिए, क्योंकि इधर जो लाइफ मिल सकती है वो कहीं और नहीं मिल सकती दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, भारत माता की जय। जय हिंद।